ओके what are the function of IRDAI? What do you mean by second लिखो तो बच्चे What do you mean by risk? And what are the differences between saving and investment? नेक्स्ट लिखिएगा एक्सप्लेन एनी टू एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस एक्सप्लेन एनी टू एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या इंश्योरेंस ये थोड़ा इस क्वेश्चन को खुद हम बताएंगे बच्चे आप लोगों को बताना चाहेंगे तो इसको नोट करेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल में इन अ विलेज फर्स्ट एग्जांपल में या इस तरह से एग्जाम्पल हम लगता है आई थिंक कि आप लोगों को नहीं बताए हैं एग्जाम्पल बताए इसमें आप लोगों को क्या तो अगर इस तरह से अगर क्वेश्चन इस तो बन सकता है ना कि नीड टू एग्जाम्पल ऑफ क्या कॉन्सेप्ट ऑफ द इंश्योरेंस यस सर बन सकता है हाँ दे सकता है क्वेश्चन इस तरह का तो एक बार इसको लिख लीजिए तो
इन अ विलेज देर आर 400 हॉर्सेज इन अ विलेज देर आर 400 हॉर्सेज इच वैल्यूड रुपीज 20,000 हालांकि कुछ इसमें डायग्रामेटिकली भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे सकते हैं इसमें। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। ओके, तो इन अ विलेज देर आर 400 हॉर्सेज इच वैल्यूड एट रुपीज 20,000 एवरी ईयर on average for every year on average 4 horses get burned resulting into a total loss resulting into a total loss of rupees 80,000 तो इसको एक डायग्रामेटिकली हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिएगा थोड़ा हम बना रहे हैं बोर्ड पर। जैसे देखिएगा नंबर ऑफ हॉर्सेस कितना है, नंबर ऑफ हॉर्सेस 400। इसके बाद एक डायग्रामेटिकल इसको हम बना लेंगे। नंबर ऑफ हॉर्सेस 400 हो गया। उसके बाद सेकंड में क्या है, value of each horse प्रत्येक मकान का वैल्यू कितना है, रुपीज 20,000। उसके बाद थर्ड लाइन में horse that get एवरी ईयर एवरेज मान लिया, ये एवरेज ये कितना था, 4,000। उसके बाद टोटल लॉस यानी 20,000 गुने कितना हो जाएगा, 4, यानी 80,000। और एक लाइन और इसमें लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय, पहले इतना नोट कर लीजिए। तो
लिख लिए? लिख रहे हैं। नोट कर लीजिएगा, बच्चे बताइएगा। हो गया सर, आगे हो गया सर। उसमें इसी में एक लाइन और इसमें अटैच कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय 400 हॉर्स ओनर। कंट्रीब्यूशन टू बी मेड contribution to be made by 400 horse owner to compensate for loss of rupees 80,000 compensate for loss of rupees 80,000 इनर कॉलम में ही, आउटर कॉलम मत लिखिएगा इसको भी। इनर कॉलम में ओनर के बाद क्या था? कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय 400 हॉर्स ओनर टू कंपनसेट फॉर लॉस ऑफ रुपीज 80,000। तो 80,000 कंपनसेट, यानी इसका मतलब पर हॉर्स के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो कितना हॉर्स था? 400, और कंपनसेट टोटल कितना कितना हो रहा है? टोटल लॉस 80,000। तो इसका मतलब इच हॉर्स पर अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? 80,000 डिवाइडेड 400 इक्वल टू रुपीज, अब यहाँ ऑर्डर कॉलम में लिख दीजिएगा 200, यहाँ पर ऑर्डर कॉलम में। लिख लिए? कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय 400 हॉर्स ओनर टू कंपनसेट फॉर लॉस ऑफ रुपीज 80,000 इक्वल टू रुपीज 80,000 डिवाइडेड 400, और आउटर कॉलम में यहां पर कर देंगे 200। यस सर, हो गया। हाँ, इसी में लैंग्वेज बना करके इसको आप क्या करेंगे कि थोड़ा डायग्रामेटिकली पहले इसमें लिख देंगे हॉर्स ओनर कंट्रीब्यूटिंग प्रीमियम, चार पांच को मकान बना देना एक तरफ से, फिर इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी का बिल्डिंग बना देना, फिर उसके बाद क्लेम सेटलमेंट मतलब उसे घर में जो जो मकान बनाया है उसमें क्या होगा, थोड़ा जलने उलने का जो है इस तरह से बना देंगे। तो लास्ट में कहता है इफ ऑल द 400 ओनर, पैराग्राफ चेंज करके देखो, तीन यहां पर हुआ, एक तो हुआ हॉर्स ओनर कंट्रीब्यूटिंग प्रीमियम, जो व्यक्ति प्रीमियम क्या करता है, पेमेंट करता है, पहले भी बता चुके हैं ये ना, जो इंश्योरर और क्या होता था, दो पार्टी था ना जी,
यस सर इंश्योर्ड और इंश्योर्ड और वो क्या करते थे उसको पेमेंट प्रीमियम पेमेंट करेगा तो हाउस ओनर जो है वही तो अपना मकान का इंश्योरेंस किया होगा ना तो वो प्रीमियम पेमेंट करेगा कि नहीं इंश्योरेंस कंपनी को फिर इंश्योरेंस कंपनी उसके क्लेम को सेटलमेंट करेगा कि नहीं करेगा तो इस तरह से एग्जांपल देकर तुम लोग को बनाना है एक लाइन और नीचे में लिख लीजिए लैंग्वेज में फिर से इफ ऑल द क्योंकि इसको तीन लाइन ऊपर में लिखना पड़ेगा उसके बाद ही ये लिखेगा लैंग्वेज इस तरह से फर्स्ट आ गया हाउस ओनर कंट्रीब्यूटिंग प्रीमियम हाउस ओनर कंट्रीब्यूटिंग प्रीमियम फिर इसके बाद क्या किसके पास में आएगा ये कंट्रीब्यूटिंग प्रीमियम किसको प्रीमियम कंट्रीब्यूट करेगा तो इंश्योरेंस कंपनी को और फिर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको क्या करेगा लास्ट में क्लेम को सेटलमेंट करेगा क्या करेगा ये क्लेम जो करेंगे उसको क्या करेगा सेटलमेंट करेगा यही तीन प्रोसेस होता है जनरली कि इंश्योरेंस जो पार्टी इंश्योरेंस करवाता है वो क्या करेगा ये हाउस ओनर उस मकान का इंश्योरेंस किया होगा जिस एवज में वो इंश्योरेंस कंपनी को टाइम टू टाइम मंथली हो क्वार्टरली हो ईयरली हो जो भी हो वो प्रीमियम पेमेंट करता होगा और फिर जैसे ही उस मकान में आग लग गया लॉस हो गया तो वो हाउस ओनर क्या करेगा उसके लिए क्लेम करेगा और क्लेम करने के बाद उसको क्या किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनी सेटलमेंट करेगा यही तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है देखिए इफ ऑल द 400 ओनर इसके बाद नीचे में इफ ऑल द सर पहले क्या लिखे हाउस ओनर क्या कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीब्यूटिंग प्रीमियम बिल्डिंग वुल्डिंग बना देना और क्या करना बिल्डिंग का नक्शा बना करके थोड़ा बहुत दोनों का उसके बाद ये नाम लिख देना है तीनों इफ ऑल द 400 ओनर जब इसको लिख लीजिएगा तीनों पॉइंट उसके बाद लिखिएगा Yes, sir, आगे बोलिए हाँ इफ ऑल द 400 ओनर कम टुगेदर एंड कंट्रीब्यूट रुपीज 200 ईच The common fund would be ₹80,000. The common fund would be ₹80,000. या इसको इस तरह से भी हो सकता है This is enough to pay ₹20,000. This is enough to pay ₹20,000 to each of the four owner. Four owners whose house got burned.
Thus, the risk of food owner thus the risk of food owner is a speed स्प्लिट है या फिर स्पीड है? स्प्रीड SPREAD स्प्रीड ओवर 400 हॉर्सेस चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए इसका देर आर 100 पर्सन इसको खुद से बनाइएगा आपको देर आर 100 पर्सन हु आर ऑल एज्ड 1000 व्यक्ति है आदमी है जिसका उम्र है हु आर ऑल एज्ड 50 एंड आर हेल्दी वो स्वस्थ है It is expected that of these 10% may probably डाय मर गया 10 व्यक्ति टेन पर्सन में प्रोबेबली डाय ड्यूरिंग द ईयर इफ द इकोनॉमिक वैल्यू इफ द इकोनॉमिक वैल्यू of the loss suffered if the economic value of the loss suffered by the family of each dying person of each dying person DYING during nahi hai is taken to be rupees the total loss would work out ₹2 lakh बनेगा ये डायग्राम बना के दिखाइए क्या अभी जी रोहित उसी तरह से जो ऊपर बताए हैं जैसे सर द टोटल लॉस वुड के बाद क्या है द टोटल लॉस वुड वर्क आउट टू ₹2 lakh 2 lakh रुपया है सर 20,000 का कम ये करेगा कंट्रीब्यूशन करेगा तब हो जाएगा हाँ तो वो बात तो सही है लेकिन तो उसको बना के दिखाइए अभी जैसे डायग्राम में बनाया ना जी समझाए ना आपको एग्जांपल देना है
अरे सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है, उसका इकोनॉमिक वैल्यू हर प्रत्येक व्यक्ति का दी हुई है 10,000 20,000। उसके बाद कितना व्यक्ति बना, 10, टोटल लॉस कितना हुआ निकाल देंगे, और चूंकि आदमी कितना है 1,000 है तो 2,00,000 को 1,000 से भागा दे देंगे, यानी 200 रुपीज हो जाएगा कंट्रीब्यूशन। यदि इस बनाई दिखाई, दो मिनट बन जाएगा, कोशिश तो कीजिए। पना जी सर, आंसर कितना है, 2,000 या 200? 200 होगा। 2,00,000 को 1,000 व्यक्ति से आप ये जो कंट्रीब्यूशन टू बी मेड बाय 1,000 पीपल टू 100% है, 100% है कि 1,000 है 100 एप्लीकेबल है, इसलिए 2,000 आ रहा है। अब सुन ना, एक बात बोला तू, अगर तू कंपनी अभिजीत, अभिजीत हम एक चीज बोले, ऐसे क्लास में बात नहीं होता है अभिजीत, आपका 2,000 200 आएगा तब, जिनसे हम पूछेंगे वही बताएंगे मुझे पहले। अभी ये मोरल नंबर 4 उत्कर्ष, बताइए yes, क्या क्या बनाए उत्कर्ष सर? बनाना उत्कर्ष सर, हेलो, हाँ हेलो, तो आ रहा था आवाज मेरा? हाँ आ रहा है आवाज, बनाए नहीं अभी तक आप? नहीं सर, तो समझे ही नहीं, क्यों नहीं बनाए, कोशिश लेट से तेरा ज्वाइन किया क्लास सर, क्या समझाएंगे तुम ना सर, क्या चीज है? अभी एग्जांपल फर्स्ट समझा है ना बच्चे, तो यह सब प्रॉब्लम्स एग्जाम में आएगा सर। राजवी आप बताओ, आप बनाइए राजवी, कैमरा ऑन कीजिए। यस सर, yes, सर। हाँ सर, 2,000 मेरा है।
कैसे किए सर? 100% टोटल पर्सन 100 था सर, और पर्सन डाइट इन ईयर 10 था, और टोटल लॉसेस 2 लाख था सर। 2 लाख को डिवाइड कर दिए सर 100 से, तो कितना आया ये? सर 2000 था। 100 था ना? कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। तो ये समझ में आ गया सही बच्चे को? अगर एग्जाम्पल आप लोगों को बोलेंगे तो आप लोगों को इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, देना पड़ेगा। और बाकी 3 क्वेश्चन जो और दिया उसको नोट करिए, उसको लिखिएगा बच्चे, आप लोग बनाइएगा, ओके? यस सर। और सर्वोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन तो बताए थे ना आप लोगों को? हाँ सर, बता दिया। एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी बताए थे। प्रिंसिपल है ये तो, सब प्रिंसिपल है। हाँ प्रिंसिपल अकाउंट, हाँ ये इंश्योरेंस का प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इस चैप्टर को भी थोड़ा स्टडी करना है बच्चे सभी को। ओके बच्चे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।